आप दशा माता का पूजन करने जा रहे हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे दशा माता का पूजन करें ना करें? पहले भी कहा है आपको, आप पीपल के पेड़ की पूजन करने नहीं जा रहे, आप दशा माता का पूजन करने जा रहे हैं। अब वो दशा माता अगर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी है तो आप पूजन कर सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं होगा। आप दशा माता की पूजन करने जा रहे हैं, अब वो दशा माता भले वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठी हो, चाहे बड़ के पेड़ के नीचे बैठी हो, आप पीपल की पूजन करने नहीं जा रहे। हाँ, पीपल के वृक्ष के नीचे अगर दशा माता बैठी और पीपल के नीचे बैठी है तो आप पीपल की पूजन, पीपल की जड़ की पूजन भी कर रहे हो, तो दशा माता के भाव से करेगा। आप ये ना सोच कर करें कि हम पीपल की पूजन कर रहे हैं रविवार के दिन कर नहीं सकते, हमने सुना है रविवार को पीपल को छूना नहीं चाहिए, प्रणाम नहीं करना चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए, पर आप पीपल की नहीं कर रहे, आप दशा माता की कर रहे, इसलिए रविवार को कर सकते हो, करो शिव आराधना कर रहे भगवान। शिव महापुराण की कथा कहती है सोमवार के दिन भगवान को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। पूरी दुनिया में केवल एक बेलपत्र का वृक्ष कैसा होता है जिस वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी शाम के समय पर गुआरी लगाने के लिए जाती है, झाड़ू लगाने के लिए, बेलपत्री के पेड़ पर, बेलपत्र का वृक्ष जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं दिखती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं गया, बहुत मेहनत कर रहे हो, सोमवार की सोमवार पांच सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के साथ थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए, पांच सोमवार करके देखो, छठे सोमवार को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपना बढ़ना चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे बुआरी लगा लगा। अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल, शिवजी को चढ़ा कर, कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे, सोमवार को नहीं चढ़ाए तो प्रदोष को चढ़ा, और शंकर की भक्ति कर, और कमल का फूल ना मिले तो कमल गट्टा पानी में डाल, उस पानी को शंकर पर चढ़ा, और चढ़ा देख, क्योंकि शिव के चरणों में रहने के लिए माता ख्याति ने लक्ष्मी देना चाहिए, और लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने नारायण को दे दिया। अगर वही कमल के पुष्प पर लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए दीपावली पर कमल का फूल शिव जी को, भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। कमल का पुष्प मेरे भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को सावन के महीने में 108 दिए थे, वो पुष्प का फल इतना मिला कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र मिल गया था। सुदर्शन चक्र किसका था? भगवान शंकर का, वो चक्र भगवान विष्णु को दिया, ले लो तुमने कमल के फूल चढ़ाए 108, ये कमल का पुष्प चढ़ाने का फल ये कि अपना सुदर्शन चक्र तुमको देता हूं, दुष्टों का संहार करना ये आपको देता हूं, भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए। केवल कमल का पुष्प चढ़ने से भगवान नारायण को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, इसलिए लक्ष्मी जी की प्रियता कमल का पुष्प है, वो कमल के पुष्प का जल, कमल का जल या कमल कट्टे का जल शंकर पर आप प्रदोष की प्रदोष, सोमवार की सोमवार नहीं आ रही ना लक्ष्मी, ऐसा नहीं आ रहा, अब आपने सब दूर माथा टेक लिया, चढ़ाना चालू करो, एक कमल गट्टा पानी में डालो, उस पानी को शिव जी को चढ़ाओ, चढ़ाइए, मिल जाए कमल का फूल, जब तक मिल रहा है कमल का पुष्प मिले मंगवा लिया, चढ़ा दिया सोमवार की सोमवार, तो चढ़ाओ, शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति करो, और एक दृढ़ता से करो। के बोलिए बटकेश्वर मां, एक बात याद रखो, कोई बच्चे पढ़ाई कर रहे हो और उनका चित्त, उनकी वृत्ति, उनका मन पढ़ने में नहीं लग रहा, गलत जगह पर बच्चों का चित्त जा रहा हो, कोई व्यसन में, कोई घूमने में फिरने में, दोस्त यारों में, तो बड़के पेड़ के नीचे, बड़के पत्ते के ऊपर शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करें, बालू रेत का शिवलिंग बनाए, उसकी पूजन करें, और पूजन करने के बाद उसी बड़के पत्ते पर रखे हुए शंकर भगवान को पूजन आदि करने के बाद नदी में विसर्जन कर दें, उस बड़के पत्ते को लेकर आ जाए जहां पर बालक सोता हो, जो गलत संगत में पड़ रहा हो, या गलत जगह जा रहा हो, या चिड़चिड़ प्रवृत्ति में हो, उसके पलंग के सिराने में उस पत्ते को एक महीने के लिए रख दीजिए, बच्चा गलत संगत से छूट जाएगा, उसकी चित्त वृत्ति वापस विद्यापुर अर्जुन होने में लग जाएगी। बटकेश्वर महादेव का इतना प्रमाण हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं महाराज। बटकेश्वर जिनका अदालत में कोई काम चल रहा हो, प्रशासनिक कोई कार्य और नहीं हो रहा हो, तो बटकेश्वर महादेव की पूजन बड़के पेड़ के नीचे बालू रेत का शिवलिंग बनाए, बिना पत्ते पर, केवल भूमि पर उसकी पूजन करें, दही चढ़ाएं, चढ़े हुए दही को घर में लेकर आए, शंकर भगवान का विसर्जन करने के बाद में चढ़े हुए दही को घर पर लेकर आए, उसका हाथ से एक रुमाल पर छापा लगा लें,
अदालत में जब भी आप जाएं, प्रशासनिक कार्य के लिए कभी भी जाएं, उस रुमाल को जेब में रखकर लेकर जाएं, आपका कार्य सफल होगा। बटुकेश्वर महादेव का इतना प्रभाव, बटुकेश्वर महादेव का पूजन अर्चना स्मरण जीव को सुख प्रदान, भगवान शंकर को आनंद की अनुभूति करा। भगवान शिव चावल का एक आखा दाना, आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर बेलपत्र समर्पित कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर वापिस घर को आइए। अगली शरद पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही दे। ये काम बहुत जरूरी और होना ही चाहिए, नहीं हो रहा। एक कटोरी में गंगा का जल निकाल लीजिए और कटोरी में गंगा का जल निकाल कर तुम्हारे घर में एक सिक्का पड़ा हो, एक रुपया, दो रुपया, पांच रुपया, कोई सा भी एक सिक्का पड़ा हो, जो भी सिक्का पड़ा हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जहां परिंडा होता है, पानी का मटका होता है, पितरों का स्थान होता है, हंडा भरते हो, मटका भरते हो, उसके पास में उस कटोरी को रखकर एक का सिक्का, दो का सिक्का, पांच का सिक्का, दस का सिक्का, जो तुम्हारे पास सिक्का पड़ा हो, जो भी तुम्हारे पास पड़ा हो, वो सिक्के को हथेली में लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस कटोरी में डाल दीजिए और उस जल को नैनों से लगाकर आप काम के लिए निकल जाइए, वो काम आपका सफल होकर ही रहेगा, छूट नहीं सकता। गंगा के जल में वो बल होता है, और आप जो सिक्का डाल रहे हो वो ये समझ कर डालें कि कुंदकेश्वर महादेव को मैं गंगा में स्नान करने के लिए, हमारे यहाँ पहले हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, किसी किसी जब बारिश नहीं होती है या कोई काम अटक जाता है जब बारिश, तो क्या करते थे पहले के जमाने में, कि मंदिर को पैक कर दे, उसमें पानी भर दे शंकर जी के ऊपर, आपने कई जगह देखा होगा, उसमें शिव जी को डुबा, तो किसके लिए डुबाते थे? कुंदकेश्वर महादेव के। ये नियम है कुंदकेश्वर महादेव का, पर आज के जमाने में तो चंपेश्वर महादेव है तुमको भी डुबा दे, गुप्तेश्वर महादेव है तुमको भी डुबा दे, ये उनके लिए नहीं है। कुंदकेश्वर महादेव किनका नाम है, जम के बोलिए, कुंदकेश्वर महादेव। ये कुंदकेश्वर महादेव को उस कटोरी में, उस बाटकी में सिक्के को, और फिर जब आपका काम हो जाए, आप जिससे मिलने गए हो, जिससे काम की बात करने गए और काम हो गया, तो वो जल ले जाकर सिक्के के साथ, सिक्का तो डालो मंदिर में कहीं दान पेटी आदि में, और वो जल भगवान कुंदकेश्वर के नाम से शिव जी को समर्पित कर दो। बाबा से विनती करो, बहुत बहुत साधुवाद है बाबा, आपने मेरी लाज रख ली, तेरी कृपा बनी रहे, बस ये सुख मिलता, उसको धन्यवाद दो बाबा को बार बार। हम तो रोज कहते, रोज प्रतिदिन उठो और उठते से धन्यवाद दे दो, धन्यवाद उठते से। दशम माता का यह उपाय अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन घंटी दबाइएगा। ओम नमः शिवाय, नमस्ते भयम्।